तो देखिए, आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखी जा रही है। तैयारियां बेहद खास की गई हैं। कुछ जगहों पर योग दिवस के जो कार्यक्रम हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है और कुछ जगहों पर कार्यक्रम अभी शुरू होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले आपने सुना, पीएम मोदी यूएन में मौजूद रहेंगे और वीडियो संदेश एक जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। राजनाथ सिंह की तस्वीरें आपने देखी, आईएनएस विक्रांत पर योग करते राजनाथ सिंह नजर आए। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में योग दिवस की धूम देखी जा सकती है। आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। पीएम मोदी यूएन में मौजूद रहेंगे। यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से योग किया जाएगा। पोषण रिंग ऑफ योगा का जिक्र पीएम मोदी ने किया, कहा कि जो जोड़ता है वो योग है। योग का अर्थ समझाया गया पीएम मोदी की तरफ से। योग का अर्थ जुड़ना है, जुड़ाव है, मिलन है, दो तत्वों का मिलन योग होता है, पीएम मोदी ने बताया। और उस पर मेरे साथ नोएडा से महेंद्र माही और अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। पहले महेंद्र माही का मैं रुख कर लेती हूं। महेंद्र माही, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं? स्मृति ईरानी भी पहुंचने वाली थी कार्यक्रम में, कितनी देर में पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा के इंडोर स्टेडियम में और भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ मौजूद हो चुके हैं। और इसके लिए आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ बैठ के योगा आसन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो थोड़ा प्रोग्राम का लेट हो चुका है, 6:30 बजे का प्रोग्राम था, 7 बजने पर है और मंच पे अभी जो जनप्रतिनिधि वो नहीं आए, यानी कि जो सांसद की बात करें और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें वो मौजूद नहीं है, मगर आम जनता आम लोग वो यहाँ मौजूद है और भारी संख्या में मौजूद है। बच्चों के साथ साथ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम नौजवान साथी हैं वो यहाँ मौजूद है और योग आसन अपने आप में कर रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे वो बच्चा हो बुजुर्ग हर कोई योग करें, इससे जो निरोग जो रोग होते हैं वो हटते हैं और कहीं ना कहीं योग का काफी आपको लाभ मिलता है। चाहे हम देश की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की बात करें, तमाम क्षेत्रों में अब योग है बड़े धूमधाम से मनाया है। 2015-21 जून से जो योग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा था, इसकी शुरुआत की सरकार द्वारा पता चल रही थी, मगर लगातार अब किस तरीके से भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय देशों, चाहे हम अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, तमाम देशों में इस योग को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मौजूदा में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री है देश के नरेंद्र मोदी, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है और शाम तकरीबन अगर वहाँ की तारीख की बात करें तो 5 से 6 बजे के आसपास वो योग आसन करेंगे और पूरे देश को संदेश देंगे। आपको पता है कि इस बार का जो थीम है योगा का वसुदेव कुटुंबकम है, यानी कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ है। और ये इसका इतिहास ये बताया जाता है कि जो भारतीय संस्कृति है, यानी कि जो भारतीय ऋषि मुनि है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसको मॉडिफाई किया गया है। अब जो नौजवान बच्चे हैं जो नई थीम है वो भी साथ देते हैं, कहीं ना कहीं इसका सर्टिफिकेट देते हैं। पहले योग को बस एक योग की तरफ देखा जाता था, मगर अब योग रोजगार कई ऐसे उपाय है और युवक क्लासेस देते हैं और कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे आपने जैसे प्रधानमंत्री को सुना, इस तरीके से उन्होंने बताया कि योग है, योग से सारे जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं, मानसिक रूप से आप काफी मजबूत होते हैं। खासकर देखते हैं कि जब बच्चे छोटे तमाम जो लोग योग करते हैं तो कहीं ना कहीं सुंदर करते हैं। ठीक है महेंद्र माही, आप बने रहिए, अनिल चौधरी का मैं रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ गाजियाबाद से अनिल चौधरी बने हैं। अनिल, कहा जाता है कि जो करेगा योग उसे नहीं छुएगा कोई रोग, जहाँ पर आप मौजूद हैं क्या मुमकिन हो पाएगा लोगों से बातचीत आप करें, उनसे पूछें कि कितना महत्व उनके जीवन में योग का है, क्या योग के महत्व को वो समझते हैं? देखिए वाकई में ही जो आपने बात कही वो सत्य है और योग से ही रोग नष्ट होते हैं ऐसा कहा जाता है। और जिस तरीके से 2015 में देश के प्रधानमंत्री ने योग की शुरुआत की थी, उसके बाद से पूरे विश्व में ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। योग दिवस के मौके पर गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा यहाँ तमाम तैयारियां की गई हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। ऐसे में तस्वीरें मैं आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर योग किया जा रहा है। योग में लीन आपको जो है सभी जो यहाँ योग करते हुए दिखाई देंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके तस्वीर। और दूसरी तरफ मैं दूसरी तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूंगा, जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां और जो योग गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबको इंस्ट्रक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबको बताते हुए किस तरीके से योग करना है। एक सही तरीका भी योग का होना चाहिए क्योंकि एक
योग एक क्रिया है और इसको सही तरीके से करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि गलत डिसीजन में यदि गलत तरीके से की जाएगी तो वाकई इसका नुकसान भी होता है। पर जिस तरीके से यहाँ पर सिखाया जा रहा है कैसे योग करना है, किस तरीके से करना है, और तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, राज्य के मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, नरेंद्र कश्यप वो भी यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई ही जिस तरीके से 2015 में देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, वाकई एक दिन नहीं करना चाहिए, ये हमें प्रतिदिन अपनी रूटीन में लाना चाहिए। वाकई योग से रोग नष्ट होते हैं। बिल्कुल महेंद्र, वहीं का मैं रुक कर लेती हूँ। महेंद्र, चूंकि आपके पीछे अच्छी खासी भीड़ है, लोगों से जरा बातचीत कीजिए, पूछिए कि योग का उनके जीवन में कितना महत्व है, कितने ऐसे लोग हैं जो कि निरंतर योग करते हैं, कितना उत्साह है आज योग दिवस पर उनमें। जो केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी आप जिसका इंतजार था लोगों को, केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी और मंच का वो भी अपना भाषण ले चुका लगातार योग से जुड़ी सारी चीजें आपको बता रही थी। नोएडा का इंडोर स्टेडियम है और यहाँ काफी सारे लोग धीरे धीरे चलिए ठीक है महेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगी वापस। अनिल का मैं रुख कर लेती हूँ, गाजियाबाद से मेरे साथ अनिल हैं। अनिल, 2015 में योगा दिवस की शुरुआत हुई, भारत ही वो देश जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग को पहचान दिलाई, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे माना जाता है। योग भारत के साथ सदियों से पुरानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उस योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली और इसका सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, तो कितना महत्व आज के दिन का है, कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है भारत के लिहाज से। देखिए, वाकई पुराने समय से योग चलता हुआ आ रहा है और लोग योग को अपने जीवन में अपनाते हैं, पर जब से 2015 में देश के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की तो उसके बाद से ही पूरे विश्व में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और लोग योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं। और ऐसे में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, योग करने के लिए यहाँ पहुंची हुई हैं, तो मैम आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आप योग को करते हैं। हम लोग पिछले करीब करीब थोड़ा फायदे में जानना चाहूंगा मैम। योग सभी को करना चाहिए, कोविड के बाद बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे थे जिसमें लोग कुछ कुछ समस्याएं आने लगी, लेकिन जिन लोगों ने लगातार योग किया उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है योग से और बहुत अच्छे जल्दी रिकवरी पॉइंट में है। और योग करना इस अच्छे वातावरण में तो वैसे भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना ये कहती हुई नजर आ रही है, वाकई ही योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। राज्य मंत्री हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं सर, आज योग दिवस है और किस तरीके से आप मना रहे हैं और क्या संदेश देंगे आज के दिन की तस्वीरें दुनिया के लगभग योग व्यक्ति के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। गाजियाबाद में आज हजारों लोगों ने योग करके इस योग के महत्व को बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि योग को हम सबको अपनाना है, सबको भारतीयों को अपनाना है, अब स्वस्थ रहने के लिए, बेहतर रहने के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए योग हम सबके लिए आवश्यक है। देखिए, ये थे हमारे साथ में नरेंद्र कश्यप जो कि उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री के पद पर है ये, और ऐसे में इनका ये कहते हुए भी नजर आए कि योग को अपने जीवन में। बिल्कुल, तस्वीरें गाजियाबाद से अनिल चौधरी दिखा रहे हैं। महेंद्र माही का मैं रुख कर लेती हूँ, महेंद्र माही मेरे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। महेंद्र माही, योग की अगर हम बात करें तो कोरोना जब 2020 में आया था उसके बाद और ज्यादा महत्व को योग के लोगों ने समझा, क्योंकि उस वक्त कहा गया कि अलग अलग आसन आप करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे तो फिर आपके जो शरीर है, जो स्वास्थ्य है, उसमें न
न सिर्फ ऊर्जा का संचार होगा, न सिर्फ आपको बीमारियों से ये दूर रखेगा, बल्कि आपका चूंकि जो मेंटल स्टेटस था वो बहुत ज्यादा लोगों का बिगड़ गया था उस वक्त पर, ऐसे में उसमें बहुत ज्यादा मदद हुई लोगों को। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी योगा किस तरह से मदद करता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम कोविड काल की बात करें तो ज्यादातर जो योग था वो लोगों की जिंदगी में काफी मददगार रहा था, लोग योग से काफी अपने आप को बेहतर और अच्छा कर रहे थे। तब कोविड काल में हमने देखा किस तरीके से 2019-20 में जब पूरे अपने देश में महामारी का वक्त आ गया था, तो किस तरीके से योग के सारे ही काफी लोग स्वस्थ हुए थे, खासकर मरीजों की बात करें या जिनको दिल की बीमारी थी उनकी बात करें, योग के सारे काफी राहत मिली थी। तब से लेकर योग की और महत्वपूर्ण बढ़ गई थी, लोगों के अंदर जागरूकता भी तक आती थी। देखिए जब लोग कोविड का शिकार होते तो कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, चेस्ट में प्रॉब्लम होती थी, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती थी, जिसको लेकर योग के कई आसन बताया गया है किस तरीके से आप योग करिए तो इन सब बीमारियों से आप दूर हो सकते हो। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से ऐसे कई बीमारियां हैं जो योग के द्वारा आप बिल्कुल अपने आप को मुक्त करा सकते हैं, चाहे हम न्यूरल बीमारी की बात करें या किसी अन्य बीमारियों की बात करें, योग के थ्रू हम कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमने देखा किस तरीके से चाहे छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, तमाम महिलाएं हो, यहाँ तक कि कोविड में डॉक्टर भी यही एडवाइस। ठीक है, महेंद्र और अनिल मेरे साथ बने हैं मुंबई का, मैं रुक कर लेती हूँ मुंबई से, मेरे साथ सुजाता भी जुड़ गई है मेरी सहयोगी। मुंबई में कितना अवेयर है लोग योगा दिवस को लेकर, सुजाता वहां पर कितनी धूम नजर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर बात करूं मुंबई की तो ना सिर्फ आज के दिन बल्कि हर दिन आपको यहाँ पर लोग जो है वो योगा करते हुए नजर आएंगे, चाहे मरीन ड्राइव हो या कोई भी गार्डन हो। इस समय मैं गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद हूँ, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही हजारों लोगों के बीच में जो है ये सभी लोग योगा करते हुए आपको नजर आएंगे और जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। कुछ ही समय पहले यहाँ पर सीएम आए थे और यहाँ से अगर आप देखें तो किस प्रकार से सभी वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको योगा जो है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। आप मैम क्या बोलेंगी, आज योगा दिवस है, आप योगा कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग रोज करते हैं योगा, रोज करती हैं, तो कुछ आसन के बारे में बताइए जो काफी ज्यादा यूजफुल रहता है लोगों के लिए। मेरे को डायबिटीज है, मैं डायबिटीज का एक करती हूं बंडू का आसन, बंदूक असर, उससे डायबिटीज ठीक होता है। असर लगाया है, असर दिखा है, हाँ कम हुआ है। कुछ और भी ऐसे महिलाएं हैं, क्या बोलेंगी आप यहाँ पर योगा दिवस सेलिब्रेट करने आई हैं? पिछले कितने सालों से आप योगा कर रही हैं? मैं 2 साल से कर रही हूँ योगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो कि सूक्ष्म व्यायाम है ना, वो के बहुत जो भी आपको आर्थराइटिस वगैरह है ना, तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे ना तो बहुत असर दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी भी बात है कि आप लोगों को रिजल्ट्स जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, सर क्या बोले? बिल्कुल, आप दिख रहे भी जवान है और बात भी आप ऐसे ही कर रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ आप कितने सालों से योगा कर रहे हैं और कैसे? मैं पिछले 50 साल से योग करता हूँ और आज तक अपने जीवन में 50 साल से आज तक अपने जीवन में बीमार नहीं पड़ा हूँ। आज तक कभी बीमार तक नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं? हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है, बीमारी नहीं पड़ा तो हॉस्पिटल जाने का प्रहा, हॉस्पिटल दूसरों को देखने के लिए जाना है, उनको बताना है कि योग करो, पर हमें मुझे अपने लिए चिकित्सा के लिए नहीं जाना। बहुत अच्छी बात है और आप काफी फिट भी नजर आ रहे हैं, उम्र क्या है आप? सिर्फ 70, 17 कहूँ मैं, आप 17 वैसे 70 है, 70 पर मैं 17 साल का हूँ, दिल से 17 साल के हैं। बिल्कुल, देखिए अंजलि आपने इन लोगों को सुना, इनका कहना है कि योगा करने से इनके जीवन में जो असर है वो काफी ज्यादा हुआ है, जिस वजह से कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि योगा करने की वजह से अब वो हॉस्पिटल तक जाना छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो इलाज की जरूरत पड़ती है, जो कुछ इन्हें जो है जिस मरहम की जरूरत पड़ती है वो उन्हें योगा के जरिए मिल जाता है, उससे जो इंटरनल हेल्थ है वो काफी अच्छा बने रहता है। और ना सिर्फ यहाँ पर अगर आप देखेंगे महिलाएं बुजुर्ग, बल्कि जो नौसेना के लोग हैं, जो आर्मी के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसी बीच गेटवे ऑफ इंडिया पर, जिसे मुंबई का लैंडमार्क कहा जाता है, यहाँ पर सभी मिलकर जो है लगभग बताया जा रहा है कि 10,000 लोग इसी प्रकार से आज यहाँ पर योगा दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ ही इसको लेकर जो है अब ना सिर्फ आज बल्कि अब अगले 2-3 दिन तक अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार से सामूहिक तौर पर योगा दिवस को मनाया जाएगा। जी अंजलि, तस्वीरों में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं।
योगा के अलग अलग आसन जो हैं वो कर रहे हैं, महत्व को लोगों की तरफ से समझा जा रहा है योग के। अनिल चौधरी का मैं रुख कर लेती हूँ। अनिल चौधरी, से पहले आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहचान भारत ने दिलाई है और दुनिया भर में आज भारत का डंका बजता है, दुनिया भर के लोगों की तरफ से विशेषता को योग के समझा जाता है। लोगों से और बातचीत कीजिए, कैसा योग करने के बाद लोग महसूस करते हैं, कब से योग कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कीजिए। वाकई ही योग से रोग नष्ट होते हैं ये कहा जाता है और ये सच भी है। जब से कोरोना के वक्त में कितना उपयोगी ये योग रहा है, वाकई ही लोग उससे पीड़ित रहे और पूरा देश पीड़ित रहा था, उस वक्त योग ही काम आया था। इस तरीके प्रधानमंत्री ने भी कहा था और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे इस तरीके से, यहाँ तमाम जो लोग हैं वो योग करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में लोगों से जुड़ने की हम कोशिश भी करेंगे। फिलहाल जिस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर जो है जिला प्रशासन की तरफ से सम्मान लोगों को दिया जा रहा है, तमाम जो लोग हैं योग करते हुए यहाँ होंगे। और मैं कुछ लोगों से जान भी लेता हूँ। सर, आपसे जानना चाहूंगा, योग आज योग दिवस है, देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में शुरुआत की थी और किस तरीके से जीवन में इसका फायदा आम जनता को होता है, आम लोगों को होता है, बॉडी को सही कर सकते हैं, बिल्कुल भी बीमारियां लगी हुई है बहुत ज्यादा ठीक हो जाती है, रोज सुबह उठ के योगा करता हूँ। देखिये कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बेटा, आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा हैं और योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं, आप किस तरीके से करते हैं, कितना फायदा आपको लगता है? मेरे को बहुत फायदा हुआ है, मैं 5 साल से योग को अभ्यास कर रहा हूँ और मैं अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप गोल्ड मेडल लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया, कुछ बताएंगे कौन कौन सा योग ज्यादा बेहतर है और क्या क्या करना चाहिए आप जीवन में लोगों को, जैसे कि आप 5 साल से कर रहे हैं, युवा है, युवाओं को किस तरीके से समझाएंगे, क्योंकि लाइव आप इंडियन न्यूज पर युवाओं को जैसे प्रोफेशनल एथलेटिक और जो बुजुर्ग लोग हैं जैसे वो प्राणायाम प्राणायाम करें और जिससे उनकी बीमारियां वगैरह दूर। कोई ऐसा योग जिनको जिसको अपनाना चाहिए अपने जीवन में, कोई बताएंगे कोई सा एक योग? कोई भी जैसे प्राणायाम में होता है हमारा शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका का प्राणायाम, उससे हमारी बहुत सारी जैसे लंग्स को प्योरीफाई करता है, उसको उससे हम अपने लंग्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, बहुत सारी डिजीज है उनको रिमूव कर। सर, आपसे भी जान लेते हैं, आप क्या कहेंगे, योग दिवस है और किस तरीके से योग करना चाहिए और कितना उपयोगी है ये? आर्ट कक्षा से जुड़ा हूँ योग से, मैं तो देखता हूँ योग से अच्छा कुछ भी है ही नहीं के बारे में अपनी जिंदगी में, क्योंकि मोदी जी ने जो इतना उत्साह दिया है योग दिवस के लिए मनाने के लिए, उनका शुक्रिया था पूरे वर्ल्ड को करना चाहिए, उससे इतना फायदा है कि बॉडी का जो स्ट्रेंथ और बॉडी का जितना भी सभी चीजें हैं वो सब बाहर हो जाती है, नेगेटिविटी चीजें जो मन में होती है वो बाहर हो जाती है। योग करना चाहिए, रेगुलर अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में शुरुआत की थी, उसके बाद से लोग इसको अपने जीवन में ला भी रहे हैं, कितना फायदा मिल रहा है। तो अनिल, आप बातचीत कर रहे हैं लोगों से वहां पर कि लोग क्या सोचते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, मैं जम्मू का भी रुख कर लेती हूँ। जम्मू से मेरे साथ अजय झांडियाल भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। इससे पहले अजय, आप खास तस्वीरें दिखा रहे थे जब बीएसएफ के जवानों की तरफ से योग किया जा रहा था, क्या अब ये मुमकिन हो पाएगा कि आप बातचीत कर पाए और वहां का नजारा क्या है, क्या संदेश देने की बीएसएफ के जवानों की तरफ से कोशिश फिटनेस को लेकर? देखिए बिल्कुल, ये नज़ारा ही कुछ अलग है। हालांकि मैं आज योग नहीं कर पा रहा हूं, मगर जो तस्वीर है वो तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि कितना खूबसूरत नज़ारा ये है। आप सोचिए, इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए जहां पर बीएसएफ के जवान अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, इन जवानों के बीच जो है हम पहुंचे और ये जवान आज उस योगा की प्रैक्टिस कर रहे थे, योगा को परफॉर्म कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और उसी जगह जहां से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ चंद कदमों की है और यहीं पर पाकिस्तान कई तरह की नापाक इरादों को जो है वो करने की कोशिश करता रहता है। और इन जवानों को अगर आप देखेंगे तो ये जवान सुबह से ही जो है इस योगा के पहले कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए थे और उसके बाद जो है इन जवानों ने योगा को परफॉर्म किया है और योगा परफॉर्म करने का मकसद बड़ा साफ है, ताकि ये पूरे तरीके से जो है वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जिंदगी में योगा के कारण जो बदलाव आते हैं, योगा से जो फायदे होते हैं,
उसको कहीं ना कहीं देख सके। कुछ लोगों से बात करते हैं, खासतौर पर महिलाएं जो योगा कर रही थी, योगा करने से कितना फायदा होता है, क्या क्या चीजें आपको मदद देती हैं? योगा करने से फायदा है और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, जिसमें डेली के रूटीन में हमें काफी फायदा मिलता है। इसमें स्ट्रेस लेवल को काफी कम करता है। बिल्कुल, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इन जो जवान हैं, इन जवानों को कई तरह की चुनौतियां रहती हैं, इनके लिए जो है चुनौतियां इस चीज को लेकर हैं कि ड्यूटी करनी है और ड्यूटी के दौरान कोई परेशानी ना हो। ड्यूटी में काफी फायदा मिलता है आपको इस योगा से? हाँ जी, काफी फायदा मिलता है, इससे हमारी हेल्थ फिट रहती है। योगा करने से हमारा तन नहीं, हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं और बीएसएफ के जवानों के लिए, बीएसएफ के कांस्टेबल्स के लिए, महिलाओं के लिए जो देश की सरहदों की सुरक्षा में यहाँ पे तैनात रहते हैं, इन लोगों को सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो इस चीज़ का है कि इनको किसी भी तरीके से इनके स्वास्थ्य में जो है परेशानी नहीं होती और मेंटल बैलेंस जो है वो रहता है, क्योंकि तन के साथ साथ मन का स्वस्थ रहना जो है वो बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए आप देखेंगे तमाम बीएसएफ के जो जवान हैं और जो कांस्टेबल्स हैं, महिला जो कर्मी हैं, इन्होंने यहाँ पर आज योगा के इस में भाग लिया है, योगशाला में। और योगशाला में भाग लेने का मकसद बड़ा साफ था, वो चाहते हैं कि वो भी स्वस्थ रहें। और ये एक रूटीन है इनकी, आपको ये भी बता दूं कि ये रूटीन में इस योगा का को अपनाते हैं और योगा के ज़रिए जो इनको फ़ायदे होते हैं वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मैं एक तस्वीर आपको कोशिश करता हूँ बताने की, ये सरहद है, इस सरहद की सुरक्षा जो है इनको सुनिश्चित करनी है। और इस सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये हर तरह से अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस इलाके में कई बार ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की कोशिश की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल वाकई इस तनावपूर्ण माहौल के बीच रहकर दिमाग को शांत रखना, स्वस्थ रखना कितना चुनौतीपूर्ण जवानों के लिए रहता होगा ये समझ पाना मुश्किल नहीं है। अजय आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ पटना से शक्ति भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान आशिना भी जुड़ गई हैं, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं। हमें बताएंगी योगिना कि कैसे अलग अलग आसन हम कर सकते हैं और बहुत बेसिक से कैसे शुरुआत करें। अगर आपने इससे पहले योगा नहीं किया है कभी और आपके मन में ये ख्याल आया है कि योगा शुरू कर देना चाहिए, उसके महत्व को अगर आप समझ गए हैं तो सही समय है। कौन कौन से आसनों से इसकी शुरुआत हो सकती है ये हमें बताएंगी आशिना। आशिना बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी, आज योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, बेसिक्स आप कुछ अगर बता पाए। देखिए यूं तो योग का महत्व हम सब जानते हैं, समझते हैं कि योग करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अगर योग करते हैं तो सभी रोगों से दूर हम रहते हैं, लेकिन सबसे बेहतर सबसे आसान योग आसन कौन कौन से जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से किया जा सके? जी अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी, ये हमारा 9th इंटरनेशनल योगा डे है, पूरे विश्व में इसका सेलिब्रेशन हो रहा है और हम और आप यहाँ पर में बैठ के आज जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी, क्योंकि योगा सबसे पहले करने से पहले हमें मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत होती है, हमें बॉडी में शांतता की, एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊँगी, हम लोगों को पहले सुखासन पोज में बैठ जाना है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बैठते हैं, आप भी मेरे साथ करिए। हमको सुखासन पोज में बैठ के अपने नीज पर ऐसे हाथ रख के, स्पाइन सीधी करके, पेट को एकदम नॉर्मल रख के, आंखें बंद करके एक गहरी लंबी श्वास लेनी है और उसे धीरे से रिलीज करना है। इसको आप 4 से 5 बार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे आपको कितनी शांतता मिल रही है, बॉडी में शिथिलता होती है इससे शांतता मिलती है। इसके बाद हम एक बेसिक प्राणायाम जो करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा मेंटल पीस मिलता है, हम प्राणायाम से शुरू करेंगे। हाथों को यू करके एक मुद्रा ले लेंगे, आप मुद्रा करिए, आंखें बंद करके कमर सीधी रखनी है और लंबी गहरी श्वास लेनी है, उसे रिलीज करना है धीरे धीरे। एक बार फिर करेंगे, धीरे से श्वास छोड़िए। इसका महत्व अगर आप आशिना बात करते करते समझा पाए, इससे क्या फायदा होता है, कौन सा आसन है, इसका नाम क्या है? ये आप सबसे पहले समझेंगे अंजलि जी, बेसिक प्राणायाम इसको कहते हैं। इससे हमें बॉडी में शिथिलता, शांतता सबसे पहले प्रदान होती है। योगा करने से पहले बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ जो है ये बैलेंस लाती है बॉडी में। साथ ही में हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी ट्राई करेंगे, सूक्ष्म व्यायामों से बॉडी में जितनी भी जॉइंट्स है उस पर थोड़ा सा हमें प्रेशर डालना है, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। तो हम सूक्ष्म प्राणायाम करेंगे, आप दोनों हाथ सामने लीजिए, उसकी फिस्ट करिए, मुट्ठी बांध देंगे और इसे धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
इसी के साथ साथ अगर आप योगा नहीं कर पाते, अगर आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में है, अगर आप सीटेड जॉब में है, तो इन चीज़ों से आपको आपकी रिस्ट में भी आपको राहत मिलेगी और इससे कुछ जॉइंट्स भी हमारे बॉडी की रिलीज होती है, ईज होती है। तो इसको 5 बार आप क्लॉकवाइज करेंगे और फिर यहीं से ऊपर से धीरे से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। आप महसूस करेंगे जो ये रेगुलरली नहीं करते हैं उनकी बॉडी में, इसमें थोड़ी सी आपको जॉइंट्स में स्टिफनेस मिलेगी, इससे करके आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी बॉडी में। आपको इसको ओपन करना है, फिंगर्स वाइड करेंगे एंड स्लोली फिर से फिस्ट करेंगे, फिर से ओपन करेंगे, फिर से इसको फिस्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपके फिस्ट में जो डेली ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम देखेंगे टेक्नोलॉजी और मोबाइल का यूज़ और लैपटॉप का यूज़ हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में इतना बढ़ चुका है कि हम लोगों के हाथों में कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाता है। तो इस बेसिक व्यायाम से जो हम बच्चे, बूढ़े, सीनियर्स कोई भी कर सकते हैं, इससे हमारे पूरे फिस्ट में, पूरे हाथ में ब्लड सर्कुलेशन होगा। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, बीच बीच में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मौजूदगी है वो अमेरिका में है। अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी गए हैं, इस दौरान कई करार भारत और अमेरिका के बीच होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन में योग करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंडिया न्यूज की महा कवरेज आप सुबह से लगातार देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से मेरे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े, मेरे साथ योगा इंस्ट्रक्टर भी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि अलग अलग आसन और उनसे जुड़े महत्व हमें बता रही हैं। फिलहाल मैं पटना का रुख कर लेती हूँ, शक्ति मेरे साथ वहां से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। शक्ति, पटना में कितनी धूम देखी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, आप जहाँ पर मौजूद हैं उस जगह का नजारा कैसा, तस्वीरें भी दिखाइए और लोगों से भी बातचीत कीजिए। प्रकार के रोगों को पैदा करता है, अंग्रेजी में पटना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो है योग का आयोजन किया गया और आपको दिखलाएंगे कि तस्वीरों में किस तरह से जो है पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है आज सुबह से ही जो योग कर रहे हैं। और यहाँ पे न सिर्फ लोग हैं बल्कि आपको बताएंगे कि बीजेपी के जो नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और सांसद वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे और हजारों की संख्या में महिलाएं और युवक जो है योग कर रहे हैं और आप देखिए कि सुबह से ही लोग लगातार योग, लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि योग करने से जो है लोगों के मन में जो है वो शांति रहती है और शरीर भी जो है वो स्वस्थ रहता है। आप देखिए तस्वीरों में जो लोग हैं ये योग कर रहे हैं, योग के फायदे भी काफी हैं, ये लोगों ने बताया। लोग कहना है कि जब से वो योग कर रहे हैं तब से उन्हें किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं वो नहीं हो रही है। आप देखते हैं में किस तरह से लोग जो है पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं, छूने का अभ्यास करते हैं, घुटने से छूने का अभ्यास करते हैं। यह है हमारा पवन मुक्त बिल्कुल अलग अलग आसन वहाँ पर किए जा रहे हैं। पटना की सीधी तस्वीरें शक्ति के जरिए हम देख रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में आशिना भी लगातार जुड़ी हुई है। आशिना, योग की जब बात आती है तो योग का अर्थ ही होता है मिलन, दो अलग अलग तत्वों का मिलन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इससे पहले वीडियो संदेश में इस पर प्रकाश डाला गया, जोर दिया गया कि योग कितना महत्वपूर्ण है, योग का असल अर्थ क्या है। अब आप हमें बताइए, आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव आशिना रहता है, इनर जो पीस है, मेंटल पीस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा समय हम नहीं निकाल पाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग करने के लिए, आसन करने के लिए। ऐसे में मेंटल पीस को लेकर, दिमाग की शांति को लेकर कौन सा योग कर सकते हैं? देखिए अंजलि जी, ऐसे बहुत सारे योगा है जो मेंटल पीस प्रोवाइड करते हैं। मैं तो कहती हूँ सारे सूक्ष्म व्यायाम और सारे योगासन जो भी सिटेड पोजेज है उसमें हमें मेंटल पीस मिल सकता है डेफिनेटली। तो अगर आपको मेंटली पीस और रिलैक्सेशन बॉडी के लिए चाहिए तो आप सबसे पहले, जैसे हम लोग सुखासन पोज में बैठे हैं, हम लोग सिटिंग ताड़ासन करेंगे, इससे हमारे बॉडी और माइंड दोनों चीज़ें रिलैक्स हो सकती है। या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं अगर आपके पैर नीचे हैं स्ट्रेट, या फिर आप सुखासन पोज में भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ करेंगी, दोनों हाथों को हम लोग ऊपर लेंगे, यहाँ पे हमें नमस्कार करना है, हाथ हमारे एक्सटेंडेड रहेंगे, जो फिंगर्स हैं हमारे यहाँ पे एक्सटेंडेड रहेंगे ताकि उसमें भी थोड़ा सा हमें ये मिले, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। यहाँ पर रख के हमें स्पाइन सीधी रखनी है, पेट अंदर की ओर खींचना है, आँखें बंद करनी है, एक गहरी लंबी श्वास लेनी है। श्वास लेके आप उसको फील करेंगे बॉडी में, वो किस तरह से आपको पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है बॉडी में, उसको होल्ड करके रखेंगे आप 3-4 सेकंड के लिए
और धीरे से आप श्वास को रिलीज करेंगे। एक बार फिर आप श्वास लेंगे। श्वास लेते वक्त आपको बॉडी आपको स्ट्रेट रखनी है, इससे आपकी स्पाइन भी सीधी रहेंगे। जिसको स्पाइन का प्रॉब्लम है, जिसका हंच्ड बैक वाला इशू है, वो भी आपका क्लियर होगा। धीरे से हाथ नीचे लेंगे और श्वास छोड़ेंगे अपना। आप देखेंगे आपको कैसे बॉडी में थोड़ा सा पीस रिलैक्सेशन मिल रहा है इस चीज़ से। इसके अलावा एक भ्रामरी प्राणायाम भी होता है, हम उस पर भी जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम में आपने जो आवाज़ होता है, जो एक हनी भी करती है, वो आपको करना है। आप देखेंगे उसको करने के बाद आपको कितना मेंटल पीस मिल रहा है, आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। हम लोग पीस के लिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जैसे हम लोग कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में रहते हैं, हम लोग बहुत स्ट्रेस देखते हैं डेली लाइफ में, तो हमें सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम करना है। हमारे जो हाथ रहेंगे ये आँखों पर ऐसे रहेंगे, फर्स्ट से हाँ जी दो उंगलियाँ हमारे आँखों पर रहेगी। ये जो थम है, थम से हम अपना कान का जो ये है पिन्ना, इसको हम क्लोज करेंगे इस तरीके से, और एक लंबी गहरी श्वास लेके हम लोग करेंगे जो होता है। जब आप साउंड करेंगे तो आप इंश्योर करिएगा कि जो आपके लिप्स हैं वो हल्के से खुले रहे, जिसमें वाइब्रेशन आए, क्योंकि हमारे लिप्स में भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डेली लाइफ में नहीं उतना हो पाता है, तो हम इससे इंश्योर करेंगे कि वो भी चीज़ प्रॉपर हो पाए। कितनी देर करना होता है ये? अगर हम बिगिनर्स हैं, हम बेसिक लेवल से देखें, अगर हम बिगिनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इसको हम लोग करीब 15 से 20 सेकेंड तक कर सकते हैं। एंड देन जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी बॉडी की, तो आप देखेंगे कि आप इसको 1 मिनट तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैं कोशिश करूँगी। पिन्ना को दबाना है अंदर, दो उंगलियां आंखों पे रखनी है, दो उंगलियां नीचे रहेगी माउथ के पास। एक लंबी गहरी श्वास ले, मेरे साथ करेंगे एक लंबी गहरी श्वास फिर लेंगे। इसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में 5 से 7 बार करिए, आप देखेंगे आपको कितना मेंटल रिलैक्सेशन मिल रहा है। मतलब मैंने अक्सर देखा है जो स्टूडेंट्स होते हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, वो अपना आप देखेंगे कि वो रेगुलर योगा बेसिक छोड़ के वो इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है लाइफ में, कितनी ज़्यादा चीज़ें होने लगी है आसपास, तो हम लोग योगा जो हमारा इंडियन ओरिजिनेटेड योगा है, हम ये चीज़ भूल गए हैं। आप देखेंगे कि इसको फॉरेन में कैसे अडेप्टेशन किया जा रहा है। आप देखेंगे योग नगरी ऋषिकेश में लोग दूर दूर से आते हैं योगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्यों ना जब हमारे भारत में ये चीज़ अनमोल चीज़ है जो हमारे यहीं पे ओरिजिन हुई है, तो हम इसको डेली प्रैक्टिस करें। तो आप ये दो से तीन चीज़ें, शीतकारी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, जिससे बॉडी में आपको ठंडक प्रदान होती है। आप देखेंगे कि समर सीजन में जब हो जाता है तो योगिक्स एक प्रैक्टिस करते हैं शीतकारी और शीतली प्राणायाम की। उसमें ये होता है कि आपको मुंह से ऐसे हिस साउंड होता है, इसमें आपको सांस मुंह से लेनी होती है दांत दबा के इस तरीके से। आप भी मेरे साथ करेंगे, दांत दबा के मुंह खोलेंगे ऐसे, और आपको नाक से श्वास छोड़नी है। नाक से श्वास छोड़ते टाइम आप ये चीज़ आप पे गौर करनी है आपको, कि आपको अपना पूरा पेट जो है वो अंदर श्रिंक करना है। इससे जो ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी होती है बॉडी की वो भी बढ़ती है, और साथ साथ बॉडी में जो थर्मोरेगुलेशन जिसे हम कहते हैं वो भी हमें मिलता है। अगर हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ती है तो हम इसे शीतली और शीतकारी प्राणायाम करके हम बॉडी की जो हीट है वो रेगुलेट कर सकते हैं। हम इसे 2-3 प्रैक्टिस करेंगे। नाक से श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर से एक लंबी गहरी श्वास मुंह से लेंगे दांत दबाते हुए, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है नाक से। एक बार फिर करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ते टाइम आप इंश्योर करें कि आपका स्टमक पूरा अंदर श्रिंक हो रहा है, ताकि आप पूरा एक्सहेलेशन कर सके। एक बार फिर करेंगे, धीरे से नाक से श्वास छोड़ेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशिका जब अपना वीडियो संदेश जारी किया,
उसमें ओशन रिंग ऑफ योगा का जिक्र किया पीएम मोदी ने जी, इस पर चूंकि कई लोग ऐसे होंगे जो कि समझ नहीं पाए होंगे, अगर इस पर कुछ प्रकाश आप डाल पाए, ओशन रिंग ऑफ योगा का अर्थ क्या? देखिए योगा में काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि मोदी जी ने हमारे एक योगा का ये जिक्र किया कि ओशन रिंग ऑफ योगा, इसमें कई सारे प्रकार आते हैं। आप देखेंगे आजकल जैसे मॉडर्न तरीकों में, उसमें आप देखा जाएगा कि एक पपी योगा करके इंट्रोड्यूस हुआ है जो आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपके एकाग्रता को बढ़ाता है, क्योंकि अगर आप योगा में नहीं उतना इंटरेस्ट रखते तो आजकल देखेंगे आपकी कितना पेट्स का क्रेज़ बढ़ चुका है। तो ये चीज़ आप उसमें आपके साथ एक कोई एक प्रॉप दे दिया जाता है, या तो आप जैसे लिविंग क्रिएचर देखेंगे कि कैसे हम उनको फोकस कैसे कंसंट्रेट करते योगा करवाया जा सकता है, तो वैसे ही ओशन रिंग ऑफ योगा का कॉन्सेप्ट है जो अभी मोदी जी देश भर में और दुनिया भर में साथ में चला रहे हैं इसमें। बिल्कुल, तो ओशन रिंग ऑफ योगा का अर्थ हमें आशिना ने समझाया। आशिना, आजकल हम देखते हैं, आपने जॉइंट्स के बारे में बताया, इनर और मेंटल पीस के बारे में बताया, जो अर्थराइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को है जी, उसके लिए कौन सा योग कर सकते हैं हम? इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मतलब ये छोटी छोटी बीमारियां इतना बड़ा रूप आजकल ले चुकी हैं और ना सिर्फ बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बल्कि युवा भी इसका शिकार आसानी से हो जा रहे हैं। तो इन जो बीमारियाँ हैं इनसे कैसे निपटा जा सकता है योग के माध्यम से? आर्थराइटिस आप देखेंगे अंजलि जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आर्थराइटिस बोलिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलिए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा योगा बताऊंगी। आप देखेंगे सबसे पहले नीज पे इफेक्ट करता है, मैंने जितनी ज़्यादा सर्वे जो कहता है हमारा कि सबसे ज़्यादा ये पैरों से ऊपर की तरफ बॉडी में बढ़ता है, तो हम सबसे पहले ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए हम लोग नीज पे फोकस करेंगे कि हम लोग कैसे उसको सुधार कर सकते हैं। 2 से 3 आसन मैं आपको बताऊंगी, आप अपने लेग्स इस तरह से रख सकते हैं स्ट्रेट करके, यहाँ पर मैं हमें नीज पे सबसे पहले फोकस करना है। तो अगर हमें नीज में प्रॉब्लम आ रही है आर्थराइटिस की, तो हमें आप देखेंगे कि ये जो नी का अपना ये जो सॉकेट जॉइंट होता है, आपको इसको श्रिंक करना है कुछ इस तरीके से। आप इसको ऐसे खींचेंगे एंड देन रिलीज करेंगे, उसको फील करने के लिए आप अपने फिंगर्स यहाँ पे रख सकते हैं, इसको खींचेंगे, श्रिंक करिए एंड देन रिलीज करिए। इसको आप श्रिंक करेंगे और रिलीज करेंगे ये आप 15 से 20 बार दिन में कर सकते हैं, 3-3 के सेट में। आप देखेंगे आपको धीरे धीरे इसमें आराम मिलने लगेगा, यहाँ पे आपको श्रिंक करना है एंड देन इसको धीरे से रिलैक्स करना है, फिर आप इसको श्रिंक करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। ऐसे आप 5 से 7 बार या 10 बार शुरुआत में आप इसको कर सकते हैं। आपको पैर सामने लाके यहाँ पे आपका जो डोमिनेंट लेग है, जैसे डोमिनेंट लेग मेरा राइट है, इसको मैं पैर को उठाऊंगी, इसको सामने रखना है हमें, यहाँ पे हमें इस पे प्रेशर देना है, हैमस्ट्रिंग को हमें होल्ड करके पैरों को ऊपर उठाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे होल्ड करके आप देखेंगे आपके पूरे हैमस्ट्रिंग पे प्रेशर आता है, इस चीज से हमारी कुछ मसल्स रिलैक्स होती है। और इससे जीवन में कितना अंतर आता है और जीवन कितना सुखद और स्वस्थ होता है। हम सब लोगों को योग में अपने आप को शामिल करना चाहिए। एक बार पुनः मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी गई देशवासियों को। अलग अलग जगहों से मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे जो कि तस्वीर आप तक हर पहुंचाएंगे। खास मेरे साथ योगा इंस्ट्रक्टर भी स्टूडियो में मौजूद हैं, आगे और भी आसनों के बारे में जानेंगे, योग का अर्थ भी आगे और समझने की विस्तार से कोशिश करेंगे।